हाइपोथायरॉयडिज्म यह एक बीमारी है और वो थायराइड की जो मतलब फंक्शनिंग है वो फंक्शनिंग कम होने से होती है। थायराइड ग्लैंड गले में होती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट थायराइड हार्मोन है हमारे शरीर के लिए। वो थायराइड हार्मोन जो सिक्रेट करती है वो है थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड जब थायराइड हार्मोन सिक्रेशन कम करती है तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। इसकी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म। एक तो सर्वे अमेरिकन सर्वे में ऐसा पाया गया है कि 100 में से 5 लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। और हमारे देश में एक स्टडी के अनुसार 4,20,00,000 लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म है। ज़्यादा भी हो सकता है, ये तो नोन है फिगर। तो फिर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ये समझना कैसे कि भाई हाइपोथायरॉयडिज्म है, क्या लक्षण क्या है उसकी और उसका और सेक्स का क्या संबंध है, तो बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त और महाराष्ट्र में 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि एक तो बहुत ज़्यादा थकान आती है, जल्दी थक जाता है, फटीक। दूसरा वजन बढ़ता है। तीसरा आवाज़ बहुत ऐसा मोटा मोटा सा हो जाता है, चमड़ी सूख जाती है और फिर ऐसी मतलब ऐसे ड्राई हो जाती है और हाथ को ऐसे लगती है, मतलब सॉफ्ट नहीं रहती, ऐसे हाथ को लग जाती खर खर। लेटरिन साफ नहीं होती, ठंड सहन नहीं होती और नर्वसनेस डिप्रेशन ऐसा आता है और फिर उसके वजह से सेक्स ड्राइव कम हो जाती है, चिड़चिड़ापन आता है। लेडीज़ को जब ये लक्षण आते हैं तो उसमें उनकी MC कम ज़्यादा होती रहती है, फिर हेयर फॉल होता है, मतलब बाल झड़ जाते हैं और फिर कभी सारा ऐसा मतलब उनको ऐसा लगता है कि काम नहीं करना, ऐसा लगता है कि पेशेंट को डिप्रेशन है। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिनको डिप्रेशन है करके वो मेरे पास में आते हैं कि कोई काम करने की इच्छा नहीं, भूख नहीं लगती, सुस्तपना है, काम करने की इच्छा नहीं, और आते हैं सब घूम घाम के आते हैं, बोलते हैं इनका थायराइड कर लो और उनको हाइपोथायरॉयडिज्म निकलता है। इसमें क्या होता है कि ब्लड टेस्ट जब करते तो थायराइड की लेवल जो है TSH की वो बड़ी रहती है और T3 T4 ये कम रहती है, मतलब थायराइड हार्मोन का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कम हो जाता है। अब थायराइड हार्मोन का मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया तो क्या होता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है बॉडी में। अच्छा, प्रोलैक्टिन बढ़ गया तो क्या होता है कि उसका असर योनि पे होता है और योनि सूख जाती है और योनि यदि सूख गई तो सेक्स करने में तकलीफ होती है, ड्राई यदि योनि है तो, और दर्द भी होता है, फिर इसलिए औरत तैयार नहीं होती सेक्स करने के लिए और वैसे भी उसके सेक्स की इच्छा कम हो जाती है क्योंकि थकान है। तो इसके लिए करना क्या है? बहुत बार ऐसा होता है कि भाई लोग हमारे पास में आते हैं कि मेरी औरत की सेक्स की इच्छा नहीं है तो क्या करना, हम बोलते हैं थायराइड टेस्ट करो तो निकल जाता है उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसके लिए करना क्या है? नंबर एक, आपने ब्लड टेस्ट कर लिया उसमें दिख गया कि भाई हाइपोथायरॉयडिज्म है, हार्मोन ट्रीटमेंट जल्दी चालू करो। थायरॉक्सिन की दवाई मिलती है, दवाई शायद जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। 25 माइक्रोग्राम की दवाई आती है टैबलेट, 25, 75, 50, 100 जो भी है वो टेस्ट करते जाना, जितनी आपको लगती है उतनी लेनी पड़ेगी रोज। फिर नंबर दो, लेडीज को यदि है या जेंट्स को भी है तो उन्हें खुली चर्चा अपने पार्टनर से करना चाहिए कि भाई ये मेरे को ऐसा ऐसा है, इसकी वजह से सेक्स ड्राइव मेरा कम हो रहा है और उसके लिए मदद मांगना है पार्टनर की, ठीक हो जाऊंगा मैं तो सब नॉर्मल हो जाएगा, तो खुली चर्चा करना जरूरी है। फिर तीसरा है कि इसमें वजन बढ़ता है। अब वजन बढ़ने के बाद में सेक्स में हलचल जो है वो जल्दी होती नहीं है, कम होती है, सुस्तपना आता है, तो और वजन बढ़ गया तो बॉडी इमेज जो है अपना अपने बारे में जो मत है वो ठीक नहीं होता और उससे भी सेक्स के ऊपर असर होता है, तो वजन कम करो। तो पहला पॉइंट मैंने बताया हार्मोन लो, नंबर दो खुली चर्चा करो, नंबर तीन वजन कम करो, नंबर चार नींद अच्छी लेना जरूरी है, 7 से 8 घंटा नींद लेंगे
तो उसमें सेक्स ड्राइव फिर से रिटेन होगा, फिर से बराबर आ जाएगा। मतलब आप सभी कर रहे, दवाई भी ले रहे, वजन भी कम कर रहे, नींद भी अच्छी ले रहे, तो उसमें आ जाएगा। और नंबर 5 दवाइयाँ लो, मतलब दवाई आप पुरुष भी ले सकता है, सिल्डेनाफिल टेरलाफिल जैसी दवाई कुछ दिन के लिए, और लेडीज भी ले सकती है जिनको हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर का, मेरा अलग से वीडियो है कि कौन सी दवाई स्त्रियों ने महिलाओं ने लेना चाहिए जिससे उनका सेक्स ड्राइव बढ़ सकता है, तो वो दवाई ले सकती है। वजाइना यदि ड्राई है तो लूप्स लगा सकती है जिससे भी तकलीफ नहीं होगी। तो ये सब करते हैं तो डेफिनेटली हाइपोथायरॉयडिज्म में भी आपका सेक्स लाइफ खराब नहीं होगा, सेक्स लाइफ अच्छा एंजॉय करेंगे। मैंने बताया कि 4,20,00,000 लोग हमारे देश में सफ़र कर रहे हैं, ये पुराने आंकड़े हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो लोगों को, ज़्यादा लोगों को शेयर करो, हो सकता है कि उनका सेक्स ड्राइव कम है, वो टेस्ट करेंगे और उनको थायराइड हार्मोन कम निकलेगा और वो इलाज करेंगे तो उनका जीवन अच्छा हो जाएगा। फिर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।